बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नई डिश लेके आए हैं चटका। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक किलो मटन है, एक कटा हुआ टमाटर है, एक कटी हुई प्याज है, एक चम्मच साबुत गरम मसाला है, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, एक चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी है, 6-7 दाने हरी मिर्चे के हैं, 4 चम्मच अदरक लहसुन है और आधा पाव घी है। सबसे पहले कि मेरे पास मटन धुला हुआ रखा है, सबसे पहले मैं मटन डाल लूँगी। टमाटर, कटी हुई प्याज, साबुत गरम मसाला, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, ये अदरक लहसुन। अब ये इसके अंदर मैं अभी घी नहीं डालूंगी, सबसे पहले इसको मैं पानी डाल के बंद करती हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और आधा गिलास और मैंने डाल, 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। हम इसको बंद कर रहे हैं। ये मैंने 15 मिनट के लिए रखे हैं। 15 मिनट के बाद तो मैं खोल के फिर दिखाऊंगी। 15 मिनट में गल जाएंगे। ये देखें, 15 मिनट हो चुके हैं। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ये सीटी खा रही हूँ। ये देखें, 15 मिनट हो चुके हैं। ये गोश्त भी ना देखें गल के तैयार हो चुका है। ये मैं बना रही हूँ चटका। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें और उसमें से मैं आधा घी डालूँगी। ये देखें, अब इसको 10 मिनट तक मैं अच्छी बुनाई करूँगी इसकी। ठीक, चटका तैयार। अब 10 मिनट के बाद दिखाऊंगी मैं। ये देखें, 10 मिनट हो गए। इसी तरीके से मुझे इसको भूनते हैं। अभी भून चुका है। अब इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर है और ये गरम मसाला पाउडर है। अब मैं इसको उतार रही हूँ कि मैंने ऊपर से डाला है जो ये चटका डाला नहीं पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चटका बनके तैयार हो चुका है।